नमस्कार दोस्तों, न्यूरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट प्रूफ होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है आज का, आप देखेंगे असर्शन और रीजन के बेस पे ये क्वेश्चन है। असर्शन जो है ये पॉप्स के बारे में दिया गया है कि कुछ पॉप्स यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट्स जो हैं हैव बिकम एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड एंड आर फाउंड फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू द पोल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पिछले कुछ वीडियोस में भी हम पॉप्स के बारे में बात कर चुके हैं कि जो पॉप्स यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट्स होते हैं, ये जब एक बार इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं तो उसके पश्चात काफी लंबे समय तक ये परसिस्ट करते हैं, ये इजिली से रिमूव नहीं होते हैं। एंड इस प्रकार के जो पोलूटेंट हैं वो बायोमैग्निफिकेशन शो करते हैं, ये फूड वेब में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जैसे जैसे आपका ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये इनका कंसंट्रेशन भी जो है इंक्रीज होता रहता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो काफी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें से एक कॉन्सेप्ट बायोमैग्निफिकेशन का, एक आपका बायो कंसंट्रेशन का, बायो एक्यूमुलेशन का। ये आपको लगभग हर क्वेश्चन में इनके आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट पे भी जो है आपको एक क्वेश्चन लगभग हर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। तो ये तीन चार ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर बच्चे को पूर्ण रूप से क्लियर होने चाहिए। जब यहाँ पे हम देखते हैं बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे पोलूटेंट का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता है। तो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में कम पोल्यूशन, कम पोलूटेंट कंटामिनेंट आपको मिलेंगे, और हाइयर ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में आपको अधिक मात्रा में पोलूटेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगले क्वेश्चन में हमें चार पोलूटेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि फोटोकेमिकल स्मोग में कौन जो है वो हेल्प करता है। तो जो ऑफिशियल आंसर की है इस एग्जाम की, उसके अनुसार जो है दो सही आंसर आए हैं और आप सभी लोग जानते भी हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये हमारे माइंड में सबसे पहले आता है, परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ए और डी दोनों ही इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं। अभी हम बात कर ही रहे थे पिछले से पिछले क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था हमारा कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया है यूट्रोफिकेशन पे। कोई भी वाटर बॉडी जब उसमें एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट आ जाते हैं तो उसमें यूट्रोफिकेशन हो जाता है, एल्गल ब्लूम हो जाता है। काफी महत्वपूर्ण ये एक कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चों को बड़े ध्यान से इसे पढ़ना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी काफी एक हॉट टॉपिक रहा है। चाहे यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस की आप बात करें, यूपीएससी की बात करें, या जितने भी एग्जाम होते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उन सभी में भी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस पे एक क्वेश्चन हमें देखने को हमेशा मिलता है। यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं इनको अगर हम ध्यान से देखें तो पहला तो जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है सिंपली ग्रीन शब्द के साथ में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो ये तो
हम पहले ही रिमूव कर देते हैं, इतना तो हम सभी बच्चे जानते ही हैं। उसके पश्चात जो है ऑप्शन नंबर बी, दे एब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ, बिल्कुल सही। एंड वाटर वेपर जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, ये भी बिल्कुल सही है। एंड ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। तो बी सी डी ये तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं आपके। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, और किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। यहाँ पे जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो काफी डाटा दे के चले जाते हैं, जैसे कि इन्होंने ऑप्शन नंबर बी में ध्यान से पढ़ो कि भाई दे एब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन इमिटेड बाई अर्थ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणों को, रेडिएशन को जो है ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं, परंतु सत्य ये है कि ये आपकी धरती से, अर्थ से जो रेडिएशन इमिट होती है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो है आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं और आपको बड़े ध्यान से इनको याद करना चाहिए। हम 3 R's की बात करते हैं, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके काफी बार आपने देखा होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 3 R, 5 R। तो अगर हम 3 R's की बात करें तो आपका रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये जो है आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो बी सी एंड ई ओनली ये सही आंसर है। तो यूरेनियम पे जब भी हम बात करते हैं तो बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो आपको यूरेनियम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम-235 जो है हम न्यूक्लियर एनर्जी में यूज करते हैं, न्यूक्लियर वेपन में यूज करते हैं। इसके अलावा कई बार जो आपका अल्फा बीटा गामा पार्टिकल पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो सीधा सीधा आंसर आप सभी को हालांकि पता ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला पीएच एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसमें हम वाटर की एसिडिटी बेसिसिटी मेजर करते हैं। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हम देख रहे हैं सही है। एंड इसके बाद में जो है स्टेटमेंट डी, रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट गलत है और ई स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। ए बी एंड डी जो है ये आपका सही, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है, इन कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर टेम्परेचर कैन बी राइज अप टू 500 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ कलेक्टर एरिया आर एब्जॉर्बर एंड एब्जॉर्बर एरिया आर न्यूमेरिकली सेम, नहीं ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो आपका असर्शन सही है और रीजन जो है ये आपका गलत। तो स्टेट ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वीओसीज, वीओसीज जब भी हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में बेसिकली फोटोकेमिकल स्मोग आता है और हम सोचते हैं कि केवल आर्टिफिशियल सोर्सेस से ही रिलीज होता है, परंतु सत्य ये है कि बहुत सारे प्लांट आपके ऐसे हैं जो वीओसीज प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल सोर्सेस से भी वीओसीज प्रोड्यूस होते हैं।
यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं, व्हीकल्स, प्लांट्स, टर्मेट्स, पावर प्लांट, बॉग्स, यहाँ सभी से VOC प्रोड्यूस होते हैं। तो आपके एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड सोर्सेज के साथ साथ नेचुरल सोर्सेज भी जो हैं काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन आ भी जाता है इस तरीके का कि VOC जो है कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बच्चों, कि आर्टिफिशियल के साथ साथ जो है आप नेचुरल सोर्सेज भी आपको याद होने चाहिए, तो ये काफी महत्वपूर्ण डाटा रहेगा आपके लिए, इनको आप जो है याद कर लेंगे। तो बच्चों हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रूफ होगी। ये PDFs जो है हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हमेशा की तरह फॉरवर्ड कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। जो बच्चा अभी तक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नहीं है तो सिंपली हमें व्हाट्सअप कर सकता है, हम उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करा लेंगे। वहां पे हम जो है छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स, जॉब्स एंड ऑल, इनवायरो अकेडमी के कोर्सेज जो हैं कब लॉन्च होते हैं, इन सब की जानकारी देते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जब आपके कोर्सेज लॉन्च होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, बाद में सीट पूरी हो जाती है। तो सबसे पहली हमारी कोशिश यही रहती है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जितने बच्चे हैं उनको हम एक बार बताएं, और फिर कोई सीट बचता है तो ओपनली जो है हम उनको दूसरे बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो काफी सारा फायदा है इसका। इसमें सिंपली अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अगर ऐड होना है तो अपना नाम और ईमेल आईडी लिख के आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे, आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद में जब भी कोई अपडेट हम करते हैं तो तुरंत वो आपको रिसीव हो जाता है। तो लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ में हमेशा है, हमेशा रहेंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, टेक केयर।